हमारे खुप्र में सब पानी भरा बहुत ज़्यादा है, कोई समस्या नहीं, आप अंदर देख लीजिए चल के, तो बड़ी समस्या है। और तो सब ठीक है, क्योंकि भाजपा है, सब लोग हैं और सब जीत रहे हैं और सब इन्हीं को दिया ही जाएगा भाई, ये चीज़ है, लेकिन समस्या बहुत बड़ी है यहाँ। ठीक, देखो भाई, हमारे रियात यहाँ जब तक मोदी योगी हैं तब तक दाल किसी गल नहीं। सांसद जी की शक्ल नहीं देखी आज तक हम। अच्छा। हाँ, हमने देखा नहीं 10 साल में। अच्छा। सांसद जी को तो पेंशन मिलती है, सांसद जी को क्या शक्ल देखने की जरूरत। अब यहाँ रोड बनवाई हम लोगों ने, बनवाई सांसद जी का भी बनाने आए। शिक्षा के क्षेत्र में तो कोई खास नहीं किया है, कोई वैकेंसियाँ नहीं निकाली हैं अभी तक, लेकिन अब सही मिला के सबको देखते हो, सभी आ जाते हैं, सभी ऐसे ही हो जाते। पेपर लीक हुआ, ये किसके द्वारा लीक हुआ, इसकी जाँच क्यों नहीं हुई? बच्चे ने माँ बाप से पैसा लेके फॉर्म डाला, अब बताइए लड़का बेरोजगार घूम रहा है, हैं? ये किसकी गलती है, सरकार की है? रोजगार कौन देगा, हैं? मंदिर बना अच्छी बात है, हम भी ब्राह्मण हैं, हैं? मंदिर बना अच्छी बात, दर्शन करेंगे, जा पाएंगे तब दर्शन करेंगे, वरना रोज ही मंदिर आते हैं। परंतु महंगाई, 1100 का सिलेंडर, आम जनता की पेंशन देनी नहीं है, बताइए कैसे ज़िंदगी कटेगी? बेरोजगार लड़का टहल रहा, हमारा ही लड़का टहल रहा है बेरोजगार, BA TT सब कुछ किए हुए, बताइए क्या सरकार हमें, ना तो राशन देगी, हम राशन हमको मिलता नहीं, ना हमको पेंशन मिलती है। पेंशन तो मानो रिटायर हो गए बैंक के आज से 12 साल पहले, वो तो पेंशन सरकार, कांग्रेस सरकार ने दी थी, वो मिल रही, इस समय तो पेंशन भी बंद है। राम के सहारे नैया पार हो जाएगी या अन्य मुद्दों पर भी चुनाव लड़ा जाएगा? नहीं, राम के सहारे ही नैया नहीं पार होगी, इसलिए अन्य मुद्दे भी तो, महंगाई चरम सीमा पर है। अच्छा। बताओ, आप बताइए, 200 रुपये में सरसों का तेल चल रहा है, क्या खाएगा आम जो थोड़ा सा पाता है पैसा, कैसे चलेगा धंधा? बेरोजगार क्या करेगा लड़का? ये भी तो हम कहते हैं, जब आप अच्छे दिन के लिए लेके आए हो तो अच्छे दिन करिए, युवा खुश हो, हम लोग की तो कट गई, युवा क्या करेगा? It's not just dance, it's where I find my expression, where every step is a word in my story of grace. It's a heartbeat of passion and tradition. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ, वंश कोल्हू, तेल से ही मिलेगा यही। सीतापुर में लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। तमाम उठापटक के बाद मैदान में अब दो विपक्षी दलों के अपने अपने प्रत्याशी, जिनमें बात करें तो भाजपा से जो है सांसद राजेश वर्मा, और इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से नकुल दुबे को प्रत्याशी बनाया गया है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार सीतापुर में चुनाव किन मुद्दों पर होने जा रहा है और किन मुद्दों पर यह वोट करने जा रहे हैं। और इससे पहले हम यह भी जानेंगे कि अभी तक के काफ़ी इन सबको देखकर आप जान रहे होंगे कि काफ़ी अनुभवी ये व्यक्तित्व तो यहाँ पर हैं, और ये अपने चुनावी यादों के बारे में भी आपसे कुछ यादें साझा करेंगे। क्या नाम है दादा? ठाकुर प्रसाद। अच्छा जी, ये कह रहे थे कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, जी जी, आपको क्या लग रहा है किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा और किन मुद्दों पर मतदाता सबसे ज्यादा जो है वोट डालने के लिए आ गया है? भाई देखिए, मुद्दा यही है कि हर चीज का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्षेत्र में मुद्दा है, लेकिन थोड़ा रोडों की समस्या है यहाँ पे। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा। हमारे खुप्र में सब पानी भरा बहुत ज्यादा है, कोई समस्या नहीं, आप अंदर देख लीजिए चल के, तो बड़ी समस्या है। और तो सब ठीक है, क्योंकि भाजपा है, सब लोग हैं और सब जीत रहे हैं और सब इन्हीं को दिया ही जाएगा भाई, ये चीज़ है, लेकिन समस्या बहुत बड़ी है यहाँ। ठीक, ये बताइए जी, 5 साल में आपने अपने सांसद राजेश वर्मा जी का कार्यकाल देखा, हाँ, कैसा लगा उनका प्रशासन? कार्यकाल तो ठीक है, क्या लगता है? लेकिन कार्यकाल ठीक है, लेकिन कोई आवागमन किसी प्रकार के यहाँ नहीं है, किसी का सांसद जी आते नहीं, कोई काम नहीं है यहाँ पर, बहुत क्षेत्र भरा हुआ है पानी से, रास्ता नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है।
ठीक, तो उस पर कुछ अपना चर्चा अपने करवाओ सही रहेगा। ठीक, हाँ तो यहाँ दादा कहना है कि जो सांसद जी हैं उनका कार्य प्रशासन तो ठीक है लेकिन आना जाना नहीं है। ये खूबपुर के निवासी हैं और यहाँ पर कहना है इनका कि सड़कें और जलभराव की जो समस्या है वो काफ़ी भारी है। क्या शुभ नाम है दादा आपका? हमारा नाम राम सागर। अच्छा दादा, ये बताइए कि जो वर्तमान में भाजपा सरकार रही केंद्र में 5 साल, उसके कार्यकलापों को आपने देखा, कैसा लगा आपको? ठीक रही सरकार, सही। जब दोनों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ईमानदार हैं, सारा दूसरा कोई भी विरोध नहीं, किसी के पक्ष में नहीं, सबके साथ व्यवहार करते हैं बढ़िया। जो योजना दी सबके लिए दी, किसी जात विशेष वो तो किया नहीं। और बाकी ठीक है, समस्या तो जनता चाहे जब तो करो, कुछ भी कमी बनी ही रहे। नहीं, जैसे राम मंदिर का मुद्दा उठा, ठीक, राम मंदिर को लेकर के दो धड़े आए, एक धड़े ने कहा कि जो है राम मंदिर की जो स्थापना हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो शास्त्र सम्मत है, लेकिन सनातन धर्म के ही बहुत बड़े धर्मगुरु जो है भगवान शंकराचार्य ने जो है इस बात का खंडन किया कि मंदिर अभी बना नहीं पूरा और सरकार जो है सरकार ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी है, यह अशुभ है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो भैया, बात क्या, ये पंडितन मामला है, इनके चक्कर पर हम भी ब्राह्मण हैं, लेकिन इस चक्कर मत उड़ो। जो अच्छा काम हम जो जानते हैं, अच्छा काम जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी, वो हो गया बढ़िया, अच्छा है। अच्छा काम जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी अच्छा, वही बात अच्छा। है। अच्छा ये बताइए, ये कभी कभी खबरें आती हैं कि राहुल गांधी इस मंदिर चले गए, उस मंदिर चले गए, वहाँ पे खबरें ये भी आई कि उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे राहुल जी? देखो मंदिर ये तो हम जानना है, सिद्धकाव हो का नहीं हो, लेकिन यह है मंदिर सबके लिए है, वो तो भगवान सबके है, जो चाहे जो जाए उसके लिए किसी को रोक थोड़े होना चाहिए। अच्छा चलिए सीतापुर पे आते हैं, ये बताइए कि जो वर्तमान में अब चुनाव जो होने जा रहा है, गठबंधन की ओर से जो है वो नकुल दुबे जी अब प्रत्याशी बनाए गए हैं और सांसद राजेश वर्मा जी भाजपा से तो हैं ही हैं, और माना जा रहा है कि जो बहन कुमारी मायावती हैं वो भी कोई मुस्लिम प्रत्याशी को लाने की जो है फिराक में हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है और कौन कितने नंबर पर रहने वाला है? देखो भाई, हमारी निगाह क्या, जब तक मोदी योगी हैं तब तक दाल किसी गली किसी नहीं। अच्छा, मोदी योगी हैं तो दाल किसी की गलनी ही नहीं है, दादा का ये मानना है। हाँ चलिए चलिए, अगले दादा हैं उनसे हम बात करेंगे। दादा जी क्या नाम है आपका? इंद्रपाल। इंद्रपाल, ये बताइए कि जैसे जो सीतापुर है, सीतापुर में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे ट्रामा सेंटर था, ट्रामा सेंटर बना खड़ा हुआ है, ठीक है, वो चलाया नहीं गया, रोज़ाना अगर औसतन माना जाए तो 8 से 10 लोग ऐसे चले जाते दुनिया से जो लखनऊ नहीं पहुंच पाए इलाज के, उन्हें इलाज नहीं मिल पाया, तो आप इस कदम को कितना सही कहेंगे कितना गलत कहेंगे? नहीं, सरकार प्रयासरत है, अब एक दिन का काम नहीं इतनी जल्दी सब कुछ हो जाए, लेकिन सरकार प्रयासरत है, चिकित्सा सुविधा अच्छी चल रही है। अच्छा, ये बताइए आप अपने जो वर्तमान में सांसद जी हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? वो तो जीतेंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि बीजेपी सरकार में जो भी आएगा प्रत्याशी, बीजेपी के कार्यकलाप अच्छे रहे हैं, इसलिए जो भी प्रत्याशी आएगा वही जीत जाएगा। तो मतदान आप सांसद जी को देख के करने जा रहे हैं या भाजपा को देख के करने जा रहे हैं? हमारे सांसद भी व्यक्तिगत अच्छे हैं। अच्छा, और पार्टी तो अच्छी है ही है। मतलब दादा का मानना है कि जो इनके सांसद जी या हम सबके जो सांसद जी हैं वह भी अच्छे हैं और जो है भाजपा सरकार भी अच्छी है और उसी को ये वोट करने जा रहे हैं। क्या शुभ नाम है दादा? यद्राव प्रसाद मिश्रा। अच्छा, हाँ दादा, ये बताइए कि इससे पहले आपने तो वो दौर भी देखा जब सीतापुर में कभी कांग्रेस की सत्ता हुआ। बिल्कुल सही, ठीक देखा, कहा माना जाता था कि कांग्रेस जो पार्टी जो है वो सवर्ण या यूं कहे कि ब्राह्मण जो है यहाँ से बहुत मुख्य भूमिका अदा करते थे कांग्रेस। बिल्कुल सही, ठीक, एक बार फिर से जो है कांग्रेस ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है, आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण उनकी तरफ झुकेगा? नहीं झुकेगा। क्यों नहीं झुकेगा? कारण यह है वो क्षेत्र में कभी देखा भी नहीं, देखे भी नहीं गए। अच्छा, हाँ, उनको कोई पहचानता भी नहीं। अच्छा, हाँ, तो क्या देखे उसको, इलेक्शन सर पे आ गए तो इसलिए उनको को देखा गए रहे, उनकी जगह पर कोई दूसरा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी को तो आने हो वो कामयाब हो जाएगी। तो
आपका मानना है कि इनकी जगह समाजवादी पार्टी जो है अन्य किसी प्रत्याशी को उतारती तो वो जीत जाती, लेकिन आप ये बताइए कि चर्चा ये इस बात की होती है कि जो ब्राह्मण मतदाता है या सवर्ण मतदाता है वो जो है सपा की ओर झुकता नहीं है? ऐसा नहीं है, हम सब लोग जो है ब्राह्मण ही हैं, सपा का सपोर्ट करते हैं और सपा अच्छा काम करती है। अच्छा, हाँ। अच्छा, वर्तमान में जो भाजपा की सरकार रही, आपके सांसद जी रहे, आप लगभग 10 साल तो भाजपा से ही सांसद हैं वो, ठीक, तो ये बताइए कि उनका कार्यकलाप या चीज़ें कैसी है? नहीं, इनके सारे स्टेप जो है अच्छे हैं। अच्छा, हाँ, मगर ये बात यह है कि जो जिस तरीके से माहौल बनना चाहिए वो बिगड़ा, बना माहौल बनकर बिगड़ा। अच्छा, हाँ, माहौल बहुत अच्छा बना और बढ़ करके इस जातवाती और ये सब फैल गई तो गड़बड़ हो गया। इलेक्शन जातवाद का नहीं होता है, इलेक्शन होता है मानवता का जी। हाँ, मानवता का होता है, काम का होता है। हाँ, तो आपको ये बताइए कि यहाँ पे सांसद जी के जो कुछ कार्य जो उन्होंने कराए वो आपको मालूम है कि उन्होंने कौन कौन से कार्य कराए हैं? सांसद जी हमारे क्षेत्र में जो कराए हैं, रोडों का निर्माण कराया है, कहीं कहीं पुलिया नहीं थी जहाँ पर पानी बहाव कम होता था वहाँ पुलिया का इंतजाम कराया, और किसी के दर्द होती थी तो दर्द देखते थे, कोई कि किसी कोई मरीज ज़्यादा सीरियस है तो जो कुछ उनको दे श्रद्धा थी वो दे देते थे, जाओ गरीब तुम लेकर जाओ, ये करते थे। तो ये दादा का मानना है कि जो इनके सांसद जी मतलब भाजपा सांसद राजेश वर्मा जी हैं, उनका व्यक्तिगत अपना व्यवहार और उनका कार्यकलाप काफ़ी अच्छा है जो इन्हें काफ़ी पसंद आया। क्या दादा नाम है आपका? हमको लोग तरंग जी कहते हैं। अच्छा, महाराज जी ये कहेंगे कि ये बताइए कि जो आगामी चुनाव है, भाजपा कहीं ना कहीं चुनाव को फिर से हिंदुत्व की पिच पर ले जाने की कोशिश कर रही कि हिंदुत्व के पक्ष पे चुनाव पहुंचे, इसीलिए माना कहा जा रहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन इसी जल्दी कर। आपको क्या लगता है कि जो चुनाव है वो रामय सहारे निकल जाएगा या अन्य बातों पर भी लड़ा? राम सहारा तो है ही है, लेकिन मोदी ने कुछ ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से आदमी अगर अपने अंदर सुख और शांति चाहता है तो बीजेपी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। कैसा लगा आपको इनकी सरकार, कैसी लगी, कैसा? ये जो इम्पॉसिबल काम थे उन्होंने ये कर डाला, इसलिए हमको अच्छा लगा। अच्छा, जैसे राम मंदिर बनाना है, 370 हटाना है, हाँ, जिसको भाजपा सरकार कहती कि ये बहुत बड़े काम थे और हाँ, हमने करके हाँ, दिखाए। हाँ, हाँ, इन्हीं मुद्दों पे इस बार चुनाव होने जा रहा है? नहीं, बिल्कुल कटाई यही मुद्दा है। अच्छा, तो भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप तीसरा कार्यकाल सौंपने जा रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, मन बना लिया है? बिल्कुल कटाई मन बना लिया है। अच्छा, ये बताइए कि जो अभी 2 दिन पहले जो है मुख्तार अंसारी की जो है मौत हो गई हॉस्पिटल में, उनके परिजन इस बात का जो है दावा कर रहे हैं कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया, ठीक है। कुछ दिन पहले जो है वर्तमान जो सरकार सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने विधानसभा में इस बात को कहा भी था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, और उसके बाद से अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इस कार्य को कैसे देखते हैं? उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, उन्होंने ये कहा था कि माफिया जो हैं उत्तर प्रदेश छोड़ दें और नहीं तो उनकी जगह जो है सलाखों में है, ये उन्होंने कहा था, किसी का नाम नहीं व्यक्ति। अब जब माफियाओं का दमन हो चुका है, हाँ, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मतलब कैसा लग रहा है? अभी जो है वो तो मतलब ऊँचे क्वालिटी का माफिया था जी। लेकिन अभी बहुत से माफिया उनको योगी और मोदी जी को ध्यान देना होगा जो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपके कहने का उद्देश्य क्या है, मतलब आप किनको कहना? हमारा कहने का मतलब है कि जो नहीं चाहते थे कमल से उनको टिकट मिल गया जी। कमल से उनको टिकट मिल गया, पहले वो कहीं दूसरी जगह थे जी। अब कि उनको कमल से टिकट मिल गया, उन्होंने उनको वो जीत हो गई, वो नहीं जीते, कमल जीता है। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि बाहुबली सांसद बृजेश सिंह भी हैं, बाहुबली सांसद जो है ये क्या नाम अभी जिन पे आरोप लगा पहलवानों वाला, दूसर शरण सिंह जी, ठीक है। तो जब योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम माफियाओं का दमन कर देंगे तो ये तो कमल वाले हैं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अब इसके विषय में योगी के पास कोई ऐसी बात होगी ज़रूर जो अभी वो मौन हैं, नहीं तो बहुत से ऐसे बहुत से माफिया मतलब हिंदू भी थे जिनको भी उन्होंने सजा दी है, पेपर में मैं जब पढ़ता हूँ। आप ये आशा करते हैं हाँ, कि आगे न्याय होगा? न्याय होगा। अच्छा,
अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन ने जो नकुल दुबे जी को प्रत्याशी बनाया, सपा का एक धड़ा जो है, कार्यकर्ताओं का जो है एक वर्ग जो है, सामने आ गया कि जो है हम इस प्रत्याशी का विरोध करते हैं, पैराशूट प्रत्याशी है। उसका मानना था कि राकेश राठौर जी, प्रमोद मास्टर साहब जी, ठीक, या अन्य एक बड़े नेता हैं जिनको टिकट दिया जाता तो शायद चुनाव जो है और मजबूती से लड़ा जाता, क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये तो जो आपने बताया वो सही है। अच्छा, किसको मानते हैं कि अगर वो आते तो जो है चुनाव? देखिए, सपा तो इस तरह से मुलायम सिंह की सरकार से ही इतना बदनाम हो चुकी है कि सपा से लोगों को एकदम घृणा हो गई। जी जी, समझ रहे हो? उनकी जगह पर कोई बढ़िया प्रत्याशी अगर हो जी, तो हो सकता है उसको उसको सफलता मिले। तो क्या नाम है दादा? स्वामीदार मिश्रा। दादा, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो वर्तमान में चुनाव होने जा रहा है, इंडिया गठबंधन का और भाजपा का, ठीक, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमसे अकेले लड़ने के लिए सारे विपक्षी एक तरफ मिल करके लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? वो तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन उनका जो है लड़ना ठीक भी है क्योंकि विपक्ष में है जी, जी। लेकिन भाजपा जो है ये मजबूत पार्टी है, विकास किया है इसने, और इससे जितने वोटर्स हैं, जितने मतदाता हैं, सब संतुष्ट हैं। अच्छा दादा, हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं आप और काफ़ी जमाना देखा, कहा जाता है कि सत्ता की संपूर्ण चाबी या सारी शक्तियां एकत्र करके एक ही व्यक्ति को नहीं दे देनी चाहिए, ठीक, नहीं तो शक्ति का जो संतुलन है वो उसके मस्तिष्क में बिगड़ जाता है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो गलत है, बिगड़ जाता है, क्योंकि मोदी योगी जो ऐसे त्यागी आदमी हैं जिनको कुछ अनुभव है और कोई वो भी नहीं है, लालच भी नहीं है उनका। अच्छा, नहीं जैसे बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि जो विपक्ष है वो बिल्कुल कमजोर हो गया, ठीक है, उससे थोड़ा मजबूत होने, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष जब तक दोनों बराबरी से लड़ने वाले नहीं होंगे तब तक जो है सरकार या देश का कल्याण बहुत अच्छे से नहीं किया जा सकता, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि मोदी योगी ने काम किया है और करेंगे, ये त्यागी पुरुष हैं, हाँ, और ये किसी भगवान का रूप समझ लो या कुछ भी समझ लो, अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं। ये बताइए, इस बार जो चुनाव है आपके सीतापुर में, वो किन मुद्दों पे, क्या क्या लगता है कि आपके सीतापुर में क्या और होना चाहिए? विकास होना चाहिए, और क्या क्या बनना चाहिए? जैसे रोडें बननी चाहिए, पानी जो जहाँ भरता है उसका निकास होना चाहिए, हाँ, यही सब मुद्दे हैं। हमारे साथ कुछ माताएं भी जुड़ी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जो है जानेंगे कि उनके मन के क्या विचार हैं। माता जी, क्या नाम है? विजय रानी अग्नोत्री। अच्छा, ये बताइए कि नरेंद्र मोदी सरकार जो वर्तमान में है, इसने अभी कुछ दिन पहले संसद से जो है महिलाओं को 33% आरक्षण और जो सत्ता में भागीदारी की, क्या कहेंगे आप? अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं वो। अच्छा, हाँ, खुश हैं? हाँ, उनसे खुश हैं हम। और किन किन बातों से खुश हैं, क्या आपको? और गरीबी राशन बांटते हैं, गरीबों को देते हैं, गरीबों का भला करते हैं, किसानों को सुरक्षा भी है, और किसानों को मतलब महिला जो किसान है किसानों को देते हैं, पैसा भी देते हैं, 6,000 रुपये मिलते हैं। अच्छा, किसानों को आपको भी मिलते हैं? हाँ, मिलते हैं। अच्छा, हाँ। तो माता जी जो है सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हैं और काफ़ी संतुष्ट दिखाई पड़ रही हैं, उनका मानना है कि सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है। अन्य माता जी हैं, उनसे भी बात करें, क्या माता जी नाम है? सरोजनी। अच्छा, ये बताइए कि जो महिलाओं की सुरक्षा है, अभी सीतापुर में, पुराने सीतापुर में एक महाविद्यालय बना पड़ा है, बिल्डिंग बनकर के तैयार है, चलाई नहीं गई, इसलिए आरोप लगता है कि इसलिए नहीं चलाई गई कि पिछली सरकार में बनाई गई। बहुत सारी बेटियां ऐसी होती हैं जिनकी पढ़ाई इसलिए छूट जाती है कि माँ बाप उन्हें बाहर नहीं देते, क्या कहेंगे कि वो विद्यालय खुलना चाहिए था या नहीं? बिल्कुल खुलना चाहिए था। तो नहीं खुला इसको लेकर, तो ये मतलब गलती है सरकार की? सरकार की गलती, बिल्कुल गलती मानते हैं। अच्छा, इसी तरह के ट्रामा सेंटर भी है, वो भी नहीं चला, 8 से 10 लोग औसतन जो है रोजाना इसलिए जो है मर जाते हैं कि कहा जाता है कि उनको इलाज नहीं मिल पाया और वो लखनऊ नहीं पहुंचते, क्या कहेंगे? देखिए, जब डबल इंजन की सरकार है तो कोई दुविधा होनी नहीं चाहिए, इनको सरकार को पूरी तरह चलाना चाहिए। ट्रामा सेंटर क्यों नहीं चलाया, क्यों नहीं चलाया भाई, ये कमी किसकी है? और पूछिए,
वर्तमान में जो आपके सांसद जी थे उनके कार्यकलाप के बारे में, उनका प्रशासन कैसा रहा, कैसे उन्होंने जो है यहाँ पे सेवाएं की, क्या कहेंगे? सांसद जी की शक्ल नहीं देखी आज तक हम। अच्छा। हाँ, हमने देखा नहीं 10 साल में। अच्छा। सांसद जी को तो पेंशन मिलती है, सांसद जी को क्या शक्ल देखने की जरूरत? अब यहाँ रोड बनवाई हम लोगों ने, बनवाई सांसद जी का भी बनाने आए। अच्छा, आप लोगों ने मिलके बनवा ली? हमने बनवाई है, हम लोगों ने मिलके। अच्छा। हमारी कॉलोनी में देखिए, चल के पैसा जमा किया था, बनी है। अच्छा। सांसद जी ने कोई सड़क नहीं, अब भी आते हैं ऐसे ही लड़खड़ाते हुए, बुजुर्ग महिलाएं गिर जाती हैं, पानी भरा रहता है। आपको बता दें, ये जो माता जी हैं इनका कहना है कि यहाँ पर भाजपा और प्रशासनिक अधिकारियों ने कई बार शिकायतों का जो है संज्ञान नहीं लिया और यहाँ के स्थानीय निवासी मजबूर हुए पैसे मिला करके सड़क बनाने को। अन्य माता जी हैं, उनसे बात करेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? रानी। अच्छा, ये बताइए कि सपा मतलब इंडिया गठबंधन और भाजपा किसे चुन रही है? भाजपा को। क्यों, क्या क्या आधार है? अच्छी सरकार है, अच्छा काम कर रही है, ऐसा मुख्यमंत्री बढ़िया हिम्मत है सबकी, हर चीज़ को लेके माफिया गिरी कम हो रही, चली गई। अच्छा। गुंडेगर्दी चली गई, हम लोग खुले खुलेआम घूमते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री अभी तक ना आया है ना आएगा। ये बताइए कि जो आपके वर्तमान सांसद जी हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सांसद जी से देखिए, हमने एक बार देखा उनको है, राजेश वर्मा जो है यहाँ के, और हम लोग देखो सरकारी है, कोई पेंशन वगैरह हम लोगों को मिलना नहीं, ना राशन मिलना, घर में सरकारी सभी डॉक्टर हैं, आदमी हरेसमेंट पेंशन पाते हैं, हम लोगों का सब सही चल रहा है कार्य। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने क्या काम किया? शिक्षा के क्षेत्र में तो कोई खास नहीं किया है, कोई वैकेंसियां नहीं निकाली हैं अभी तक। लेकिन अब सही मिला कर सबको देखते हुए सभी आ जाते हैं, सभी ऐसे ही हो जाते हैं। बच्चों के अभी पेपर लीक हुए, 50 हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, 50 लाख जो है बच्चे जो है उसमें प्रभावित हुए, उनके माँ बाप। कहा जाता है कि कम्पिटेटिव तैयारी जो होती है वो केवल बच्चा नहीं करता, माँ अपने बेटे के, बाबा जी अच्छा काम कर रहे हैं, करती है कि इसकी व्यवस्था हो जाए, पिता। अब ये तो दीदी बताएंगे हमारी, ये टीचर रह चुकी, ये बताएंगे, ये टीचर नहीं है। देखे पेपर लीक हुआ, ये किसके द्वारा लीक हुआ, इसकी जांच क्यों नहीं हुई? बच्चे ने माँ बाप से पैसा लेके फॉर्म डाला, अब बताइए लड़का बेरोजगार घूम रहा है, ये किसकी गलती है? सरकार की है, रोजगार कौन देगा? मंदिर बना अच्छी बात है, हम भी ब्राह्मण हैं, मंदिर बना अच्छी बात, दर्शन करेंगे, जा पाएंगे तब दर्शन करेंगे, वरना रोज ही मंदिर आते हैं। परंतु महंगाई, 1100 का सिलेंडर, आम जनता की पेंशन देनी नहीं है, बताइए कैसे जिंदगी कटेगी? बेरोजगार लड़का टहल रहा, हमारा ही लड़का टहल रहा है बेरोजगार, बीएड टीटी सब कुछ किए हुए है, बताइए क्या सरकार हमें ना तो राशन देगी, हम राशन मिलता नहीं, ना हमको पेंशन मिलती है, पेंशन तो मानो रिटायर हो गए बैंक के आज से 12 साल पहले, वो तो पेंशन सरकार कांग्रेस सरकार ने दी थी वो मिल रही, इस समय तो पेंशन ही बंद है कैसे? तो आपको क्या लगता है कि जैसे भाजपा सरकार है वो कहीं ना कहीं बार बार राम मंदिर मुद्दे का जिक्र करती है, तो आपको क्या लगता है कि रामे सहारे नैया पार होगी? एक मिनट, रामे सहारे नैया पार हो जाएगी या अन्य मुद्दों पर भी चुनाव लड़ा जाएगा? नहीं, राम के सहारे ही नैया नहीं पार होगी, इसलिए अन्य मुद्दे भी तो चाहे, महंगाई चरम सीमा पर है। अच्छा। बताओ आप बताइए, 200 रुपये में सरसों का तेल चल रहा है, क्या खाएगा आम जो थोड़ा सा पाता है पैसा, कैसे चलेगा धंधा? बेरोजगार क्या करेगा लड़का? ये भी तो हम कहते हैं, जब आप अच्छे दिन के लिए लेके आए हो तो अच्छे दिन करिए, युवा खुश हो, हम लोग की तो कट गई, युवा क्या करेगा? तो आप सीतापुर में लोकसभा चुनाव को लेकर यह सियासी चर्चा, आपको हम बता दें शहर के मुख्य और प्रतिष्ठित गौशाला मंदिर पर हम कर रहे थे, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी सिद्धांत थे और मैं अरुणेश अवस्थी, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।